Assalamualaikum everyone, this is me Rabia Nazar और आज जो है वो मैं खाने में बना रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी और उसके लिए जो अज्जा मुझे रिक्वायर्ड थे वो ये था कि मैंने 3 kg चिकन लिए हैं, इसी के साथ मैंने 3 kg चावल लिए हैं और चावलों को जो है वो मैंने इस वक्त बॉईल करने चढ़ा दिया है फ्लेम पर और उसके अंदर मैंने गर्म मसाला, हरी मिर्च, हसबे जायका नमक और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक डाल के इसे मैंने बॉईल करने चढ़ा दिया है। इट्स माय ऑलराइट जी, इसके लिए जो चीज़ें मुझे दरकार हैं, मैंने 3 kg चिकन ली है और चिकन को जो है वो मैंने कट्स लगा ली है। अनफॉर्चुनेटली ये टिक्का पीसेस नहीं है क्योंकि घर में मुझे सालन पीस अवेलेबल थे तो मैंने सालन पीस ही ले लिया है, लेकिन अगर आप बनाएं तो आप ज़रूर टिक्का पीस लें क्योंकि उसमें टिक्का पीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ मैंने 1 kg दही लिया है क्योंकि 3 kg चावल हैं, उस हिसाब से मैंने 1 kg दही लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके अंदर मैंने 8 हरी मिर्च भी साथ ग्राइंड की है और मैंने लिया है चाइनीज़ नमक। और ये जो आप मसाला देख रहे हैं, ये बिरयानी मसाला मैंने खुद होममेड है, इसे मैंने घर में बनाया है। इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इंशाल्लाह वो कभी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। और मैंने लिए हैं आलू बुखारे और इमली और साथ ही जो है वो बिरयानी का जो कलर होता है वो लिया है जी। तो अब हम करते हैं इसे मैश और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। मेक श्योर कि आपने इस पर कट्स लगाएं अच्छे तरीके से ताकि सारा मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। देखिए इस तरह से कट्स आप लगाएंगे ताकि अदरक लहसुन डालने के बाद फिर हम इसके अंदर जो मैंने मसाला बनाया है टिक्का मसाला और बिरयानी मसाला ऐड ऑन करेंगे। साथ हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे मैरिनेट होता है चिकन। चाइनीज सॉल्ट हसबे ज़रूरत, आप पे डिपेंड करता है कि आप यूज़ करते हैं या नहीं, अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़रूर से ऐड करें। जी तो ये हमारा जो है वो मैरिनेशन तैयार हो गई है टिक्का की और उसके 20 मिनट्स बाद जो है हम इसको हाई फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये सारा जो है वो रेडी हो जाए। और हमारे चावल आप देख सकते हैं कि मैंने इसको छान लिया हुआ है और ये बहुत अच्छे से जो है वो बॉयल हो चुके हैं। एक चीज़ का आप हमेशा से ख्याल रखें, जब भी आप तवे वाली बिरयानी बना रहे हैं तो आपके जो चावल हैं उसमें एक कनी कच्ची रहनी चाहिए ताकि वो जब आप मसाला उसमें डाल के उसे दम देंगे तो वो दम में गल जाए। और इसी के साथ जो है मैंने जो हमारा टिक्के की मैरिनेशन करके रखी थी वो मैंने हाई फ्लेम पर रख दिया है जी। आप देख सकते हैं कि टिक्का जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। इसमें अभी हमने इमली और आलू बुखारे ऐड ऑन किए हैं, साथ ही थोड़ा सा हमने सॉल्ट भी डाला है ताकि नमक जो है वो बराबर रहे। आप इसमें रेडीमेड जो शान और नेशनल मसाले जो आते हैं रेडीमेड वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं हमेशा जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो मैं उसमें अपने ग्राइंड किए हुए जो मसाला जाते हैं वो डालती हूँ क्योंकि मुझे बिरयानी और बाकी सारे मसाले भी बनाने आते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वी हैव डन विद टिक्का, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके, बल्कि थोड़ा नहीं, आई विल ऐड ऑलमोस्ट 2 कप ऑयल, और ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से भून के और फिर इसको फर्दर जो है वो मैं तेल लगाऊंगी। ऑलराइट, आप देख रहे हैं कि मसाला
मसाला भी हमारा रेडी है टिक्के का और हमारे चावल की रेडी है। अब हम इसमें तय लगाएंगे, एक तय मैं बिछा चुकी हूँ देगची के अंदर और अब इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे ताकि जो है हम तय लगा सकें। तो ये मसाला है, आप देख सकते हैं टिक्का हमारा तैयार है और अब हम इसकी तय लगाएंगे। सेकेंड तय से पहले आप थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर सकते हैं। मैं इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं। और ये हमारा रिमेनिंग मसाला जाएगा इधर। फूड कलर रखा था जो नॉर्मली बिरयानी में डलता है, फूड कलर आप अच्छे से इसमें स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा सा डालें ताकि अंदर तक इसका कलर जो है चला जाए। आप इसको पानी में भी घोल के डाल सकते हैं और इसको ड्राई भी डाल सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट डन और अब मैं इसको लाइट फ्लेम पे, पहले हाई फ्लेम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैं इसको लो फ्लेम पे रखूँगी एटलीस्ट 15 मिनट्स और फिर इसके बाद चेक करें। ऑलराइट जी, दम लग चुका है। इस वक्त 11 बज चुके हैं क्योंकि आज संडे था, सब ऑलमोस्ट 2 बजे उठे, नाश्ता देर से हुआ इसलिए खाना भी दोपहर का खाना लेट खाया और अब रात का खाना लेट हो गया आज हमारा। लेकिन एनी हाउ मेरी बिरयानी रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी कि आपने इसको कोयले का स्मोक लाजमी देना है, तो दम के दौरान मैंने इसे कोयले का स्मोक भी दे दिया और इट्स फाइनली रेडी और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आश खुशबू कैसी आ रही है? ऑलराइट जी, ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं, आप फाइनल लुक जो है वो बिरयानी का देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया। और एक चीज़ और बोलनी थी, आज है शबे महराज और जागने की रात है, तो खूब सारी इबादत करें और सुबह के लिए रोज़ा भी रखें, सारी रात इबादत करें, सुबह रोज़ा रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी जितनी भी परेशानियां उसे दूर करेगा। इस वक्त हमें अल्लाह से रुजू करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है और हमें, क्योंकि ये शब महराज है और इस पर हम जागते भी हैं, इबादत भी करते हैं और हर साल रोज़ा भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस साल भी ऐसे करेंगे और इस साल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो भी हमारी परेशानियां हैं, कोरोना वायरस है और भी हमारी जितनी भी मुश्किल हैं वो सब हल हो जाए और अल्लाह पाक हमें इस आजमाइश के जो लम्हात हैं इससे निकाल दें। आमीन सुम्मा आमीन।